अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही सलामत है और स्वस्थ है और खुश है। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ आलू चिप्स, और ये आलू चिप्स मैं एक अनोखी ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस ट्रिक के साथ आप बनाए 100% क्रिस्पी बनेंगे, और आज तक शायद कोई भी आपके साथ ये ट्रिक्स के साथ आलू चिप्स बनाया नहीं, शेयर किया। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू, लाल आलू लिया है, रेड छिलका वाला, तब कोई भी आलू ले सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ आलू छिलके के साथ बनाऊंगी स्लाइसेस और कुछ विदाउट छिलके। तो मैं पहले छिलका वाला स्लाइस कर रही हूँ। आप कोई भी स्लाइसर से इसे स्लाइस कर ले। पहले मैं दो तरीका आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैं दिखाऊंगी दो तरीका ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं जो अनोखी तरीके से बनाऊंगी वो ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, या फिर जो आम तरीके से बनाया जाता है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो जो मैं सिल्के वाला स्लाइस किया है वो मैं आम तौर पर जो बनाया जाता है चिप्स वो तरीके से बनाऊंगी, और विदाउट सिल्का जो है वो मैं अनोखे तरीके से बनाऊंगी जो 100% क्रिस्पी बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आप इसी तरीके से बनाएं इसी ट्रिक्स के साथ। तो इसी तरह स्लाइस कर लेना है, और आमतौर पर जो स्लाइसेस चिप्स बनाते हैं तो वो धोया नहीं जाता है, वॉश किया नहीं जाता है, पर मैं जो बनाती हूँ उसको स्लाइस को मैंने 2-3 बार धो लेती हूँ। अच्छी तरह से इसे धो लेना है, और आमतौर पर जो बनाया जाता है वो सीधे कपड़ों से पोंछा जाता है, उसके ऊपर आलू के ऊपर जो पानी होता है। तो इसे 2-3 बार धोने के बाद मैं एक छन्नी के ऊपर रख रही हूँ आलू के जो स्लाइसेस है, एक छन्नी पर लेना है ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, यानी 1 टीस्पून नमक। और हम जब ऐसे बनाते हैं सिर्फ ऊपर से पूछ कर तो ऊपर से पानी निकल जाता है, लेकिन आलू के अंदर जो पानी होता है वो नहीं निकलते हैं। तो जब हम इसमें नमक डालते हैं तो आलू के अंदर जो पानी है वो सारे पानी निकल जाते हैं, और उसकी वजह से ये चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो इसी तरह मैं 8-10 मिनट तक रखूंगी नमक के साथ मिलाकर, और अच्छी तरह मिलाने के बाद नीचे एक बोल रखना है ताकि आलू के पानी अच्छी तरह से निकल जाए। इसी तरह बोल के ऊपर रखें ताकि पानी आसानी से निकल जाए। तो मैं आपको 5 मिनट बाद में आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए 5 मिनट बाद ये पानी निकल रहा है। तो किस तरह से पानी निकल रहा है आप देख रहे हैं। तो इसी तरह और 5 मिनट में रखूँगी, 8-10 मिनट तक रखना है। तो 10 मिनट बाद मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ तो आलू की कितना पानी निकल रहा है, गया है अभी। तो देख रहे हैं आप, बोल में बहुत सारे पानी निकल चुका है, और आलू देखिए अब थोड़ा सा पतला सा हो गया है, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो मैं एक आलू का जो स्लाइसेस है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट बन चुका है। देखिए ये टूट नहीं रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो पानी है सारे निकल चुका है। तो इसी तरह नमक के साथ, और एक फ़ायदा इसमें है कि फ्राई करने के बाद इसे नमक भी नहीं मिलाना पड़ता है, इसे आलू के अंदर तक नमक चला जाता है। तो अभी मैं सारे आलू एक एक करके एक किचन पेपर पर रख रही हूँ। आप कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, या तावेल भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन तावेल या कॉटन कपड़ा। ऊपर से एक और किचन पेपर रख रही हूँ, और इसे ऊपर जो पानी है अभी इसे सुखाना है। अंदर का पानी तो निकल चुका है, तो ऊपर का जो पानी है तो सिर्फ इसे सुखाने के लिए मैं ये तरीका यूज़ कर रही हूँ। आप कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, तावेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऊपर का पानी भी अभी सूख चुका है, तो इसी तरह सुखाना है ऊपर, और अभी मैं फ्राई करूँगी इसे। और फ्राई करने के लिए
तेल को सही तरीके से गरम करना है और एक एक करके सारे सारे नहीं कुछ सिप्स डालना है। और अभी फ्लेम हाई रखना है क्योंकि अब जब सिप्स डालेंगे तो तेल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए एक साथ ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और अभी हाई फ्लेम पर इसे रखना है, फ्राई करना है, और इसे बाद थोड़ी देर बाद बाद चलाएं छन्नी से ताकि पूरी तरह सारे सिप्स फ्राई हो जाए। और जब आपको लगे कि थोड़ा सा फ्राई हो गया है, थोड़ा सा क्रिस्पी बन चुका है, तो मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है, फ्राई करना है। तो अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है, तो अभी मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है। तभी मीडियम फ्लेम पर मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये देख रही है ये फ्राई हो चुका है। अब देख रहे हैं मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, लेकिन ये 100% क्रिस्पी बन चुका है। तो इसी तरह फ्राई करें सारे सिप्स। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो छिलके वाला मैंने स्लाइसेस किया है, जो ये मैंने नमक में नहीं रखा था, जो आमतौर पर सिप्स बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरह, सिर्फ कपड़ों से यानी किचन टॉवल से मैंने पोंछ लिया था ऊपर। तो इसे मैं आपको फ्राई करके मैं अभी दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको कंपेरेटिवली मैं दिखाऊंगी कौन सा ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने फ्राई किया है, पहले हाई हीट पर बाद में मीडियम हीट पर। तो आप देख रहे हैं मैंने इससे ज़्यादा ब्राउन किया है, पहले वाले से इससे ज़्यादा ब्राउन किया है। तो ये फ्राई हो चुका है तो मैं अभी निकाल रही हूँ उसे। तो मैंने दोनों अलग अलग रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कौन सा ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। ये देखिए ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनी है, ये फोल्ड हो रहा है, कुछ क्रिस्पी बनी है और कुछ नहीं, लेकिन ये जो नमक वाला है वो 100% क्रिस्पी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी होता है ये। और आप इसे कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा चाट मसाला मिलाऊंगी, ज़्यादा ना मिलाए क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है और मैं ऑलरेडी इसमें नमक मिला चुकी हूँ। तो सही माने तो इसमें चाट मसाला ना मिले फिर भी चलता है, सिर्फ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मिलाने से भी हो जाता है, और मैं अभी थोड़ा सा रेड चिली मिला रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं दोनों एक साथ मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्टोर नहीं करना है, अभी के अभी खाना है, तो इसलिए मैं दोनों एक साथ में मिक्स कर रही हूँ। तो इसी तरह मेरी जो ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स से आप बनाएं, आप महीनों तक इसे स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनता है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएंगे। तो फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप खुश रहे और स्वस्थ रहे। अल्लाह हाफिज़।